Hello everyone, welcome back to another video of this channel which is officially called Made for SSC. Last video में जैसे बहुत लोगों का comments मिला है, इसके पहले कि मैं ये video शुरुआत करूँ, दो तीन चीज़ मैं बताने वाला हूँ. देखो, तुम में से बहुत लोग हो, maximum लोग ऐसे हो जो बहुत मेहनत करके, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आज CGL 2019 का इस स्टेज में आके पहुँचे हो कि यू हैव क्वालिफाइड फॉर लिस्ट 2 या लिस्ट 1 या लिस्ट 3 या लिस्ट 4 एंड यू आर वेटिंग फॉर योर फाइनल रिजल्ट्स. किसी का हो सकता है दो अटेम्प्ट हो गया, किसी का हो सकता है तीन अटेम्प्ट हो गया, किसी का हो सकता है एज लिमिट क्रॉस कर गया है, किसी का हो सकता है इज इन अ डायर नीड ऑफ अ जॉब, बट इस साल मिलेगा कि नहीं, ये आप लोग सोच रहे हो. तो ये इस कंटेंट जो मैं अभी इस वीडियो में देने वाला हूँ, हो सकता है ये बहुत ही सेंसिटिव कंटेंट हो, क्योंकि बहुत लोग ये भी बता सकते हैं कि कैसे तुम ये से प्रेडिक्ट कर सकते हो. अगर तुम बोलते हो ना मिले तो वो अगर डिप्रेस्ड हो जाए कोई बंदा, किसी को अगर तुम में से मैं बोलूं कि तुमको नहीं मिलेगा और तुम डिप्रेस्ड हो जाते हो, देन दैट्स अ बैड साइन. बट कीपिंग ऑल दैट इन माइंड, मैं सिर्फ ये तुम लोगों को यही बात बताने वाला हूँ कि बेस्ड ऑन द मार्क्स एंड बेस्ड ऑन माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, मैं लास्ट वीडियो में यहाँ पे आई बटन में शेयर कर देता हूँ, यहाँ पे थंबनेल है. लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था कैसे मैं हर एक प्रेडिक्शन तुम्हारे लिए बनाया था. नंबर वन, वो वीडियो नंबर वन है कमेंट बॉक्स सेक्शन वन. अभी जो मैं वीडियो करने वाला हूँ वो है कमेंट बॉक्स सेक्शन टू. उस सेक्शन में मैंने जो रिमेनिंग जो वीडियोज़ है, रिमेनिंग जो कमेंट्स आया है मेरा लास्ट वीडियो में, बहुत सारा कमेंट्स आया है, सबका क्वेरीज है, सब टेंस्ड हो तुम, तो आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ दोज क्वेरीज इन अ सिंगल वीडियो. अगर हो सकते हैं सिंगल वीडियो में कर दूँ तो ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं कर सकूँगा. लास्ट वीडियो में मैंने बहुत एक्सप्लेन किया था क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्यों नहीं बोल रहा हूँ. मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके निकल जाऊँगा, बट आई ट्राई टू टच ऑल ऑफ योर कमेंट्स. और जिसका कमेंट मैं यहाँ पे बता नहीं सक रहा हूँ, उसका कमेंट मैं वहाँ पे जाके वीडियो में जाके ऑब्वियसली कमेंट करूँगा, ताकि तुम लोग टेंशन में ना रहो. और अगर तुम नए हो, यूनिक व्यूअर हो, इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, एंड यू आर ऑल्सो अ सीरियस SSC एस्पिरेंट, वेदर इट्स 18, 19, 20, जो भी एस्पिरेंट हो आप, CHSL एस्पिरेंट, CGL एस्पिरेंट, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. मेक श्योर टू फॉलो द लिंक्स, सोशल मीडिया लिंक्स ऑफ दिस चैनल मेड फॉर SSC का फेसबुक, इंस्टाग्राम, पेट्रियन, टेलीग्राम, सब लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके फॉलो करना, मुझे क्वेरीज पूछना, मैं हर एक क्वेरीज का रिप्लाई करता हूँ. यू कैन चेक एनी वीडियो. स्टार्ट करेंगे एकदम पुराने कमेंट से और धीरे 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 नए वाले कमेंट में आएंगे. तो लेट्स बिगिन द वीडियो. तो स्टार्ट करते हैं पहले कमेंट से. पहले कमेंट आया था गजेंद्र निगम, ड्रीम SSC कमेंट आया था CJ का, बताओ भाई EWS के लिए क्या है. इसका कमेंट का एग्जैक्टली मुझे पता नहीं चला, तो अगर तुम देख रहे हो भाई ये वीडियो ड्रीम SSC, तो जाके कमेंट करना उस कमेंट के नीचे, व्हाट आर यू एग्जैक्टली ट्राइंग टू से. नंबर टू पॉइंट है जो गजेंद्र निगम, सर मेरा CGL 2019 मार्क्स 600, 617.78, ITI मिल जाएगा क्या? SC का कट ऑफ गया है 547.8, आपको मिला है 617.78, करीबन 60-61 मार्क्स के ज़्यादा है, तो यह वेरी हाई चांस ऑफ गेटिंग है 4600 ग्रेड पे पोस्ट. बट ITI मिल जाएगा क्या, ये मुझे मैं अगर बताऊँ तुम्हें तो मेरा श्योरिटी है 30 मिलने का चांसेस, 70 नहीं मिलने का चांसेस, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द वैकेंसीज ऑफ SC ITI, क्योंकि ITI बहुत ही प्रेफरेबल पोस्ट है, सब लोग वो प्रेफरेंस में भरते हैं, तो हो सकता है ना मिले, हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन द रेशियो वुड बी 30-70 या मैक्सिमम 40-60. नेक्स्ट, सर आई गॉट 576 आउट ऑफ 700 SC कैटेगरी, कैन आई गेट 2400-2800 ग्रेड पे पोस्ट? अजय कुमार नोनिया, द सेम थिंग, 547 कट ऑफ गया, यू हैव गॉट 576, तो 30 मार्क्स ज़्यादा है, तो इन द बेस्ट केस एज पर माई एक्सपीरियंस आपको 2800-2400 रेट पे मिल जाना चाहिए, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वैकेंसीज ऑफ SC एंड द वैकेंसीज ऑफ योर प्रेफरेबल सिटी, प्रेफरेबल स्टेट, वहाँ पे SC का कितना वैकेंसी है, वहाँ पे कितने एक्चुअल वैकेंसीज है, और आपके पहले कितने लोग हैं जो सिटी को प्रेफरेंस डाल रहे हो, तो ये बहुत सारा है. लेकिन अगर आपका पोस्टिंग प्रेफरेंस कुछ है नहीं, तो आई थिंक यू हैव अ हाई चांस ऑफ गेटिंग 2800 और 2400 ग्रेड पे पोस्ट. नंबर थ्री, जतिन कोहली, ये भाई तो चार कमेंट्स क्या है, एक ही कमेंट, 567.81 SC कैटेगरी, विल आई गेट पोस्ट, प्लीज रिप्लाई सर. 547, यू हैव गॉट 567, 20 मार्क्स मोर. See, in the ideal case, in the best case, you should get a job, you should get at least a 2400 grade pay job, but
इस साल एसएससी का इतना कम वैकेंसीज है, इतना कैंडिडेट्स है, और एससी कैटेगरी का मुझे मालूम नहीं है प्रेफरेबली कितना है, मतलब क्वालिफाई करा हुआ है 2168 लोगों को और वैकेंसीज है 800 मैक्सिमम, तो 1:3 में अगर लेता है तो हाई चांसेस है कि आपको नहीं भी मिल सकता है। तो आई विल से नॉट 40-60, आई विल से 50-50 चांसेस ऑफ यू गेटिंग द पोस्ट एंड नॉट गेटिंग एनी पोस्ट। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू जतिन कोहली, मैं प्रे करूंगा कि आपको मिल जाए, बट दिस ईयर एसएससी को कुछ भरोसा नहीं है। नंबर 3 रवि गुप्ता, माई मार्क्स इज 615 ओबीसी, कैन आई गेट एनी पोस्ट? 615 ओबीसी, ओबीसी का 4600 ग्रेड पे का कट ऑफ गया है 593.7 and 15, 22 मार्क्स अबव द कट ऑफ। इन दिस द सेम थिंग विल ऑल्सो गो फॉर यू भाई, लाइक आई सेड फॉर जतिन कोहली, द सेम थिंग विल ऑल्सो गो फॉर यू रवि गुप्ता। इन द आइडियल केस, इन द बेस्ट केस, यू शुड गेट अ जॉब, बट ओबीसीज के लिए इस साल कोई अलग ही चक्कर चल रहा है, बहुत कम वैकेंसीज है, बहुत लोगों को क्लियर करवाया है, रेशियो 1:2 बहुत ज़्यादा है, किसी को 1:3 है, 1:5 है, 1:7 है, तो हो भी सकता है कि आपको ना मिले। तो अगर नहीं मिले तो मेंटल प्रिपरेशन भी रखना, तो मैं बताऊँगा 40-60 चांसेस ऑफ यू गेटिंग एंड नॉट गेटिंग एनी पोस्ट। मोहम्मद शहनवाज 618 ओबीसी, 618, द सेम थिंग, यू गाइज आर ऑल अराउंड 22-25 मार्क्स अहेड ऑफ योर कट ऑफ 593.7, 618। सी द पॉइंट इज, यहाँ पे इस रेंज में इतने लोग हैं हर एक कैटेगरी का, हर एक ओबीसी बताइए, एससी बताइए, एसटी बताइए, कंपैरेटिवली रेशियो में इतने लोग हैं इसी मार्क्स का रेंज में, मतलब मोर देन 10-15 मार्क्स मोर देन द कट ऑफ, कि हो सकता है कि मेजॉरिटी को नौकरी ना मिले, क्योंकि पहले जिसका बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ है वो अगर 4600-4200 ग्रेड पे उसको नहीं मिलता है तो वो तो 2800-2400 ग्रेड पे ही लेगा, नंबर वन। नंबर टू है, कोई कोई बंदा ऐसा भी है जिसको बहुत हाई मार्क्स है, जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में अगर मैं बता सकता हूँ, 4600 ग्रेड पे के लिए अगर कोई भी कैटेगरी पकड़ लेते, ओबीसी 593.7 कट ऑफ आया हुआ है, किसी का मार्क्स आया हुआ है 650 ओबीसी में, और वो 4600 ग्रेड पे के लिए जाएगा ही नहीं, वो जाएगा 2800 ग्रेड पे के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि उसके होम स्टेट में कोई वैकेंसी नहीं है 4600 ग्रेड पे का, और उसे होम स्टेट ही चाहिए, तो वो 2800 ग्रेड पे लेके बैठा रहेगा प्रेफरेंस में। तो इसी के वजह से बहुत सारे लोग, ऐसा भी होता है कि जिसको मतलब मिलना चाहिए होता है, कट ऑफ से 15-20 मार्क्स ज़्यादा है उसको मिलना चाहिए होता है, नहीं मिलता है। तो इन द बेस्ट केस यू शुड गेट अ जॉब 2800 or 2400 ग्रेड पे पोस्ट, बट द चांसेज आर द सेम 40-60। माई स्कोर 582 इन एससी, कैन आई गेट एक्साइज इंस्पेक्टर डी के गेमिंग? एससी 582-547.8 कट ऑफ, 35 मार्क्स ज़्यादा, एक्साइज इंस्पेक्टर डिपेंड्स, आई एम वॉन्ट से कि आपको मिल जाएगा भाई, क्योंकि एक्साइज इंस्पेक्टर इज अ वेरी 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 मच प्रेशियस पोस्ट फॉर एवरी कैटेगरी। एंड तीन चीज आप याद रखना, थोड़ा सा अगर हो सकता है तो देख लेना, क्योंकि आप और भी एकदम पूरा एकदम पूरा श्योर हो जाओगे आप जो तीन चीज मैं बता रहा हूँ। नंबर वन है, आप जो स्टेट के लिए जा रहे हो, जो आपका प्रेफरेबल पोस्टिंग स्टेट है, उसमें एक्साइज इंस्पेक्टर का एससी का कितना वैकेंसीज है। नंबर टू, आपके आगे कितने एससी है जो 4600-4200 ग्रेड पे के लिए प्रेफर कर रहे हैं, जो आपको आइडिया लगा सकते हो विद द रैंक लिस्ट। नंबर थ्री है, आपके रैंक में कितने लोग हैं, आपके मार्क्स में कितने लोग हैं जो शायद वही पोस्ट जाने वाले हो। तो हो सकता है, मैं नहीं बताऊंगा कि आपको 4600 ग्रेड पे या 4200 ग्रेड पे नहीं मिलेगा, आपको मिलने का हाई चांसेस है, बट एक्साइज इंस्पेक्टर का मिलने का चांसेस मैं बोलूंगा 50-50 है। श्री राम बाबू सर 647 यू आर, विच पोस्ट कैन आई एक्सपेक्ट? 647 624.3 इज द कट ऑफ, 23 मार्क्स मैक्सिमम यू कैन गेट एज पर माई नॉलेज। इन द बेस्ट केस यू शुड गेट अ 4200 ग्रेड पे पोस्ट एटलीस्ट, बट द सिनेरियो वुड बी अ स्लाइटली डिफरेंट, सो आई विल टेल यू टू गो फॉर 2800 ग्रेड पे पोस्ट, क्योंकि वो आपको मिल जाएगा 70-30 चांसेस, और अगर 4600 ग्रेड पे बोलोगे तो 30-70 चांसेस, 30% मिलेगा, 70% नहीं मिलेगा, और 2800 ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे में 70% मिलेगा और 30% नहीं मिलेगा। एंड द सेम गोज फॉर ये मार्क्स इन यूअर कैटेगरी, जो लोग 648, 647, 650, 652 ऐसे रेंज में हो, सबको
वैसा ही पकड़ के रखना, क्योंकि इस साल एकदम नेक टू नेक कंपटीशन हुआ है, आपको कट ऑफ सही पड़ा, मतलब 642 624, मैंने तो यहाँ पे 624.3 करके मेरे हिसाब से कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे तो कट ऑफ में 624.3 डॉट 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 कितना मार्क्स दिया हुआ है, मतलब डेसिमल्स में भी जा रहा है, 3-4 डेसिमल्स में कंपटीशन जा रहा है, तो आप ही सोच सकते हो एक ही मार्क्स में कितने लोग हैं। तो मेक श्योर यू नो दिस, 740 मार्क्स आउट ऑफ 900 कैटेगरी ओबीसी, कैन आई गेट डब्ल्यू? प्रीतम बागुई, सी द पॉइंट इज डब्ल्यू के लिए कट ऑफ 510.8 आया है, आपको 740 आया है, तो आपको डब्ल्यू मिलने का चांस है, 70% चांस है आपको डब्ल्यू मिलने का, बट कीप दिस इन माइंड कि डब्ल्यू के लिए टायर वन का भी कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है, टायर वन का 182 का भी मैंने कट ऑफ आया था, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, तो अगर वो क्लियर किए हो, मैं सोच रहा हूँ कि आप क्लियर किए ही हो, दैट्स वाई यू आर गोइंग फॉर डब्ल्यू पोस्ट, तो अगर वो क्लियर करने के बाद भी आपका 740 मार्क्स आ रहा है, देन बडी प्रीतम बागुई यू हैव अराउंड 70% चांस ऑफ गेटिंग डब्ल्यू, इफ 70% नो 80% चांस ऑफ गेटिंग डब्ल्यू, बट स्टेट पोस्टिंग या स्टेट प्रेफरेंस अगर कुछ है तो उसके बारे में बता नहीं सकता हूँ, वो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द वैकेंसीज अवेलेबल इन द स्टेट फॉर योर कैटेगरी, ठीक है।